संदीप, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, शादीशुदा हो गए हो आप। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आज तक मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है। ले जा कहाँ रहे हैं लोग? तो हमारा यहाँ पे आने का मेन रीजन हमारा काम है, तुम दोनों को डेट पे भी लेके जाएंगे। तो हम आ गए हैं फाइनली अब अपने नए घर में, और ये घर हमारा, वैसे तो हम लोग 2-3 महीने में कहीं और शिफ्ट होते रहते हैं, तो हम लोग अभी देहरादून आए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक तो पासपोर्ट का भी काम करवाना था, वो तो चलो खैर एक दिन में होके चले जाता, बट साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनानी थी। जो शॉर्ट वीडियोस हम देहरादून में बनाते थे ना, हल्द्वानी में दिक्कत क्या थी, वहाँ पर मैगी पॉइंट नहीं है मेन चीज, भटकना पड़ जाता है अलग अलग रेस्टोरेंट में और लोग अलाउ तो करते हैं कहीं जगह, और जैसे अभी हम यहाँ से जाएंगे कई जगह ये शर्माते हैं, जगह तो है ही नहीं, जगह एक्चुअली है ही नहीं वहाँ पे, एक्चुअली वहाँ पे एक ही मैगी पॉइंट है, पांडे जी मैगी पॉइंट जो अच्छी मैगी बनाते हैं, बट वहाँ पे अंदर लाइटनिंग ठीक ठाक नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग देहरादून रहते थे, जब भी हमारा डाउनफॉल आया है लाइफ में कभी भी, तो हम लोग देहरादून आए हैं, और आजकल हमारी वीडियोज में डाउनफॉल आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपका तो सपोर्ट है ही हमारे पास, क्योंकि आप तो हमारे डेली व्यूअर हो, और इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए, आप तो हमें प्यार करते ही होगे। साथ ही साथ हमें अपने शॉर्ट वीडियोज को भी देखना है, जिसकी वजह से हम आप सब तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमें जब लाइफ में पुश मिला था वो अपनी शॉर्ट वीडियो से ही मिला था, अपनी फूड ब्लॉग तो वही है। शॉर्ट एक यूट्यूबर का एक कंटेंट होता है, जैसे कोई व्लॉगिंग करता है, किसी का व्लॉगिंग ही होता है, हाँ जैसे किसी का व्लॉगिंग ही होता है, किसी का मिनी व्लॉगिंग ही होता है, किसी का फूड व्लॉगिंग ही होता है, तो हमारा फूड व्लॉगिंग ही है। कई लोग बोलते हैं ना, मोमोज खाते रहते हो मत खाया करो, मैं समझ सकती हूँ आप मेरी केयर करते हो, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो हमारा कंटेंट है, हम उसमें दिखाएंगे कि हमें अलग अलग जगह के मोमोज के ऊपर कॉमेडी, या फिर मैगी के ऊपर, या फिर किसी और चीज के ऊपर, तो वो कंटेंट हमारा यही चलता था। तो हमारा यहाँ पे आने का मेन रीजन हमारा काम है, हमारे काम को पुश मिल जाए बस एक बार, उसके बाद हम लोग फिर घर जाते रहेंगे आते रहेंगे, हमें पुश मिलने में हम पूरी मेहनत लगा देंगे, 15-16 दिन में, 15-20 दिन में हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा तो मतलब इंक्रीमेंट आए, जो अभी हमारा बार ग्राफ डाउन चला गया ना यूट्यूब एनालिटिक्स का, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, और उसके साथ साथ फिर हमारा कहना हमारा यही है जो है, हमारा यूट्यूब ही है, और आप ही हो, आप ही का प्यार है, और बस आपका प्यार ज्यादा पाने के लिए हमने और मेहनत करनी है, इसलिए हम यहाँ पे आए। फिलहाल मैं आपको अपना नया कमरा दिखाती हूँ, ये है हमारा लिविंग रूम, और देखो ये कितना अच्छा है। हमेशा रूम भी लेते हैं ना, हम वीडियोस की अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारी वीडियोस अच्छी बने, तो यहाँ पे अपनी अच्छी वीडियोस बनेंगी। ये हमारे यहाँ पे सोफा है, और ये टीवी है, और ये बालकनी है, जेरी के लिए तो बेस्ट हो गया। जेरू आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी माय बेबी, ये बेस्ट हो गया है, वो पूछ ला रहा है कि वो खुश है, ये इंडिकेशन है कि वो खुश है। पहले संदीप उस वाले फ्लोर पे रहते थे, वो जो है ना बिल्डिंग, वहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, संदीप जी टीवी सीरियल वाली और बहुत सारी ऐसी। ये वॉशिंग मशीन, ये ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये है हमारा किचन, किचन भी बहुत अच्छा है, ये देखो एग्जॉस्ट पे लगा है, इसमें वहाँ पे भी लगा हुआ है, मतलब ये बिल्डिंग हमें सबसे पहले भी पसंद आई थी जब हम यहाँ देहरादून आए थे पहली बार, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाता है, बर्तन मिल जाते हैं, और जो बर्तन मैं लाई हूँ थोड़े बहुत वो भी मैं रख के आ जाऊंगी। देखो सारी चीजें, फ्राई पैन है, दूध गर्म करने के लिए कटोरी है, सब कुछ है, इसके अंदर सिलेंडर है। ये देखो तवा भी, जो मुझे चाहिए था, जिसका मैं विश कर रही थी कि मिल जाए पिछली बार की तरह, पिछली बार भी मिला था ना जब शादी से पहले मैं थी यहाँ पे, चाय वाय पीने के लिए भी है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना। आटा नहीं है वो, टाटा नमक है। अच्छा बाइगन। तो ये देखो ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, यहाँ पे वीडियोस बन जाएंगी काफी अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम के लिए, और लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं। देखो ये ऑन होगा नहीं होगा, इन्वर्टर से चलेगा शायद, इन्वर्टर से चलेगा। तो ये देखो ये मेरा रूम है, लाइट भी आ गई है, और मम्मी से मैंने बात भी कर ली है, वॉशरूम भी अच्छा है, गीजर वीजर सब है यहाँ पे, है ना। ये देखो ये वाली लाइट्स भी ऑन हो गई और टीवी भी ऑन हो गई है। जेरू यहाँ पे वेट करो, अभी हम सामान लेके आते हैं, ठीक है, यहीं पे तुम यहाँ से हमें देख सकते हो, यहीं पे हमारी गाड़ी, नहीं जा रहे हैं छोड़ के तुम्हें, यहीं पे है सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने ना बहुत सारा सामान मंगवा लिया है, 3,500 का राशन पानी इंस्टामार्ट से, ये देखो अभी इस चीज का सेटलमेंट हो रहा है, और जेरू हमें देख रहा है। जेरू सोच रहे जल्दी से मेरे खाने की चीज निकले इन मसल में से। तो अभी मैंने कमरा सेट कर दिया पूरा, यहाँ पे मेरी एप्पल वॉच भी चार्ज हो रही है, तो पूरा कमरा सेट हो चुका है, जेरी मस्त करके बैठ चुका है, बस जूते और थोड़ा बहुत सामान और रखना है, तो मैंने तो यहाँ पे रख रखे अपने कपड़े, ये कुछ ही कपड़े क्योंकि मैं घर भी जाता रहूंगा ना बार बार, तो मैं दो ही लेकर आया हूँ, ये तो इसमें कुछ कपल वाली वीडियोस बनानी होगी तो दो ही कुर्ते, कुछ खरीदने भी पड़ेंगे क्योंकि बहुत वीडियो में ये दो ही कपड़े आ रहे हैं ना। चेरू अभी खाएगा खाना, और मेघा ने बना दिया यहाँ पे खाना, क्या बना रखा है, यही आ रही है पाइन एप्पल का जूस को देख के एक ही याद आती है, क्या बताए, गोवा, गोवा में यही होता था ना। तो मैंने बनाया है ब्रेड टोस्ट और जूस। तो ये है हमारा नाश्ता आज का, वाओ शाबाश शाबाश मेरी तरफ। जेरी को बाहर दे दो, जेरी तो भी खाएगा, जेरी सुबह से खाने में लगा है, वहाँ पर सेम बर्बाद किया जेरी ने।
चलो जारी जाओ। आज मौसम देखो, मौसम कैसा हो रहा है, सुबह से बारिश आ रही है और इतनी खतरनाक आवाज आ रही है। ये देखो बारिश भी आ रही है बहुत तेज। पहले मैं यहाँ पे रहता था, ये सामने वाले यहाँ पे, ये देखना जेरी गुस्सा कैसे कर। जेरी दे दे, जेरो जेरी दे 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 दे। वो देखो नाक देखो, दे 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 दे। कल से मेघा कह रही थी कि मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ करके। मैंने कहा चलो यार कॉफी पीने का मन हो रहा है, कॉफी बना दो। क्या कह रही, चीनी नहीं है। मैंने कहा वाह। और चीनी के नाम पे पता है ये क्या लाए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। शुगर फ्री नहीं, मैं दोनों लेकर आया हूँ। दोनों लाए हो? हाँ, मैंने कहा चलो दिन में अगर एक ही बार पी रहा हूँ तो, लेकिन ये सल्फर फ्री वाली चीनी है। हाँ। तो मैंने कहा एक बार पी रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो तीन बार पीने का मन कर गया तो शुगर फ्री डालूंगा। पी भी तुम भी पियोगी? नहीं तुम नहीं पी सकते हो। अभी हम जा रहे हैं जेरी का हेयर स्पा करवाने के लिए। सॉरी, हेयर स्पा तो मैंने करना था, बट अभी फिलहाल मैं नहा के आ गई हूँ। अभी हम जाने वाले हैं जेरी को नहलाने, उसका बॉडी स्पा करवाने, और उसके लिए इतनी सारी ऑफर्स है ना, है ना। क्या क्या ऑफर है तुम्हारे लिए पता है तुमको? तुम्हारे लिए पर्सनल ट्रेनर आएगा, तुम्हें मूवी दिखाई जाएगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो तुम दोनों को डेट पे भी लेके जाएंगे। हाँ, फिर तुम्हारी कैंडल लाइट डिनर होगी। और क्या क्या था संदीप जी उसमें? ये था ना, हाँ, क्या कहते हैं, हनीमून स्पेशल था उसमें। हनीमून स्पेशल, जेरी और जेरी की गर्लफ्रेंड। उसमें क्या होगा, जेरी और जेरी की गर्लफ्रेंड होगी तो उनके लिए कैंडल लाइट डिनर है एक, और जकूजी में स्पा है, बिल्कुल ठीक है, दो चीज हो गई। वाओ कह रहे हो। मिनी बार, उसके अंदर पता नहीं क्या रखा होगा, दो दूर रखा होगा ठीक है, और उसके अलावा टीवी, म्यूजिक सिस्टम, पर्सनल, चलो कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब चलो। अरे पर्सनल ट्रेनर जो एक घंटे तक इनको सिर्फ खिलाएगा, खेलेगा वो इनके साथ। यहाँ पे वो वाली सर्विस आज नहीं है, आज इसका दूसरी सर्विस है। दूसरी सर्विस मतलब कि पूरी बॉडी जो इसके हेयर्स हैं, इसको ऐसे करके नहलाएंगे, इसको इसकी मसाज करेंगे, हेड मसाज करेंगे इसकी, और इसके हाथ पैर साफ करेंगे, इसकी पूंछ भी साफ करेंगे। चिच्ची कितनी गंदी हो रखी है। जेरी को जब भी छोटी हूँ हाथ धोती हूँ, बस आज मैं चाहती हूँ मेरा जेरी उतना चमाचम हो जाए कि मैं उसको गले से लगाकर सो जाऊँ उसके साथ। मुझे बहुत पसंद है कुत्ते बिल्लियों के साथ सोना, नहला धुला के उनको। आपको भी पसंद है? थैंक यू। गंदी लोग अकेले अकेले बिस्किट खाते हैं, मुझे नहीं देते हैं। चलो बैठो। ये एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो दे रही है इसकी, पहनने ही नहीं दे रहा, थकान हो गई मेरे को। मैं ओनर इज सिंगल संदीप, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, शादीशुदा हो गए हो आप। तो हम निकल चुके हैं जेरी के लिए, और जेरी अभी बिल्कुल सुंदर सा टेडी बियर सा बनने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आज तक मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है जब डॉगी को नहलाते हैं धुलाते, एकदम पंपी सा डॉगी हो जाता है, एकदम बाउंसी सा। तो वैसे हमारा जेरी भी हो जाएगा, जेरी दिखेगा तो ऐसा ही है, लेकिन ये है कि जो उससे कीचड़ कुचड़ में गया है ना, थोड़े इतने डस्ट लग रखे उसके, उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहेंगे, सब हट जाएंगे, जर्म्स। मैं घर में नहलाता ना, लेकिन ठंडो के दिन है, मैं नहलाऊंगा तो मैं उसको अच्छे से सुखा नहीं पाऊंगा। सही बात, लेकिन वहाँ स्पा कराएंगे तो प्रॉपर ड्रायर वायर लगाएंगे ना, तो पूरा सूख जाएगा, उसके नेल्स सबको साफ कर देंगे ना। हमारे जेरी का तो इंस्टाग्राम पेज भी है, गोल्डन द गोल्डन जेरी करके, इसके मैं बहुत फॉलोवर्स है इसके, 14-15,000 हो, तो मैं वीडियो भी डालता हूँ, वीडियो नहीं डालते, और बिना हमारे वीडियो में आए ही जेरी के खुद से इतने अच्छे व्यूज आते हैं, मिलियंस में आते हैं, जबकि हमने कोई कभी ना प्रमोशन किया उसका, ना कुछ हमने किसी को बोला कि इसका पेज है, खुद ब खुद इंस्टाग्राम में उसकी वीडियोस अपने आप ही वायरल हो जाती है। कभी कभी डालता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी डालता हूँ, आज भी ट्राई करेंगे। फिलहाल माता रानी को जय माता रानी बोलिए सब लोग, जय माँ बाला सुंदरी। घंटी भी बज गई, लेकिन यार मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ देखा था, अभी है यहीं पे आके। दोस्त जेरू चलेगा, चले चलो। जेरी कह रहा सुबह से चलो चलो तो कह रहे हैं, लेकिन ले जा कहाँ रहे हैं लोग। हम आ गए हैं यहाँ पे, चलो आ जाओ। क्या देख रहे हो जेरू? अभी हम लोग बाहर ही खड़े हैं ताकि उसका हो जाए, वरना हम लोग अंदर जाएंगे तो वो हमें देख के एक्साइटेड हो जाएगा, हाँ। करने नहीं देगा। तो फिर से मुझसे यहाँ पे आ गए मिलने के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, और इन्होंने मुझे बताया कि हम आपको वहाँ से देख रहे थे, थोड़ा मिलने से शाई फील कर दे। मैंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे ऐसे मिल सकते हो, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने बताया, क्या बताया आपने मुझे प्लीज? बताया कि जैसे आप वीडियोस में लगते हो वैसे रियल लाइफ में भी आप सच में सेम हो, जैसे आप वीडियोस में हमें दिखते हो ना, सेम थैंक यू। अब आप लोग अच्छे हो तो आप मुझे भी अच्छा कह रहे हो, बिकॉज आप अंदर से अच्छे होगे तभी तो मैं आपको पसंद होंगी, है ना।
आपको पसंद होगी नहीं बताओ पहले आपको लाइफ में लाए हो वो कह रही होंगी मैं बाहर से खराब हूं नहीं वो सोच रहे होंगे ना कैसी हो तो मुझे अकेले में पता ही है ना अब हस्बैंड्स ना हस्बैंड्स तो पर्सनली जानते ही है घर की मुर्गी दाल बराबर अच्छा अच्छा देखा 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 सबके सामने कैसे बोल देते हैं देखा आपने लेकिन वो सच में बहुत क्यूट है और बहुत ही अच्छी है थैंक यू सो मच